मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। कल मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में उनके ऑर्डर के अगेंस्ट रिव्यू लगाने के लिए आपको बताया था, इस बारे में वीडियो डाला था। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय जो कि आप रिट पिटीशन अगर डिसमिस हो गई है, कुछ मित्रों द्वारा पूछा गया है तो वे क्या करें, इस विषय पर इस वीडियो में प्रकाश डालने जा रहा हूं। जनरली रिट पिटीशन किसी भी अधिकार के संरक्षण के लिए पांच तरह की रिट्स जो कि मैंने बताई हैं, अलग से इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है। यदि हाईकोर्ट द्वारा रिट पिटीशन खारिज कर दी गई है तो सबसे पहले आप ये देख लें कि रिट पिटीशन के रिव्यू किए जाने का यदि कोई ग्राउंड है, उपलब्ध है आपके पास, तो इस किसी एक्सपर्ट से इस बारे में सलाह ले लें। रिव्यू तभी लगाएं जब उसमें सॉलिड आपके पास कोई ग्राउंड उपलब्ध हो, अन्यथा रिट पिटीशन को दोबारा फाइल हाईकोर्ट में ना करें, या फिर एसएलपी में जाएं। हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आपके अगेंस्ट हुआ है उसके अगेंस्ट 90 डेज में आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी में स्पेशल लीव पिटीशन में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये सारी बातें बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, एस्केप ना करें, वीडियो महत्वपूर्ण है। एक और अनुरोध, मेरी धर्म पत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से है, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे भी सब्सक्राइब कर लें, ये मेरा निवेदन है। तो व्हाट आफ्टर डिसमिसल ऑफ रिट पिटीशन कैन अनदर रिट पिटीशन बी फाइल्ड, इसमें मैं यही बताऊंगा कि रिट पिटीशन एक बार डिसमिस होने के बाद आप क्या करें। अगर कोई, जैसा मैंने बताया, कोई सॉलिड ऐसे ग्राउंड्स हैं कि देयर इज ए अपेरेंट एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से मामले में ऐसा कुछ लगता है आपको कि रिकॉर्ड पर कोई गलती दिखती है, एरर ऑफ फैक्ट्स हो सकती है, एरर ऑफ लॉ हो सकती है, तो आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। और ऐसा मटेरियल रिव्यू फाइल करते समय कोई भी आपके समक्ष आया उस केस से संबंधित है जो आप हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने से चूक गए और उस कारण आपकी रिट खारिज हो गई। नेक्स्ट, एक तीसरा ग्राउंड ये हो सकता है कि सर्विंग द एंड्स ऑफ जस्टिस, ये ब्रॉड ग्राउंड है कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपको रिट लगाना आवश्यक है। तो यदि आप कोर्ट को कन्विंस करते हैं, कोर्ट को ऐसा लगता है कि रिव्यू आपने सॉलिड ग्राउंड्स पे लगाया है, तो 30 डेज के अंदर हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के बाद आप ये पेश कर सकते हैं। एक वर्ष देरी से किसी मामले में रिट पिटीशन फाइल की गई थी और इसी ग्राउंड पर ये प्रश्न भी पूछा गया है, हाईकोर्ट द्वारा रिट को खारिज कर दिया गया। तो मेरे मत में जब तक कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं हो आप रिट दोबारा ना लगाएं, बल्कि उसमें विद इन टाइम 90 डेज आप स्पेशल लीव पिटीशन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्याय प्राप्त करने के लिए वहां का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि भगवान न करे आपको जबरदस्ती किसी केस करने की तकलीफ हो, उससे न गुजरना पड़े। तो ऐसी प्रैक्टिस भी नहीं है कि पुनः हाईकोर्ट में आप उसी ग्राउंड्स पर रिट फाइल करें जब तक कि ऐसी कोई विशेष स्थिति ना हो। जैसा मैंने बताया कि 90 डेज में हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट ऑफ हाईकोर्ट आप एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। रिव्यू हाईकोर्ट में आप जरूर लगा सकते हैं, लेकिन वही जैसा मैंने बताया कि सॉलिड तीनों ग्राउंड हो, एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ ग्राउंड हो, रिकॉर्ड हो, ऐसा मटेरियल आपके कि जो आप फाइल नहीं कर पाए उसके कारण आपके साथ न्याय नहीं हुआ, या थर्ड जो मैंने बताया सर्विंग द एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए, तभी आपका रिव्यू 30 डेज के अंदर फाइल करना चाहिए। तभी हाईकोर्ट उस पर विचार करके यदि कन्विंस हो जाता है तो अलाउ करेगा। तो हर मामले में आप रिव्यू भी फाइल ना करें, केवल कानूनी ग्राउंड हो और एक्सपर्ट से ऐसा आपको ओपिनियन मिलती है कि आपको रिव्यू करने के आधार हैं, तभी आप रिव्यू प्रस्तुत करें। आपका केस यदि एक बार हाईकोर्ट में डिसमिस हो गया है, निरस्त हो गया है किन्हीं आधारों पर, डिले के आधारों पर, केस के साथ अगर ऐसा कोई फैक्ट्स है तभी उसको फाइल करें। चॉइस आपकी नहीं चलेगी, वकील साहब से सलाह लें और हाईकोर्ट रिव्यू पिटीशन के अगर ग्राउंड्स हैं तो हाईकोर्ट में जाएं, अन्यथा एसएलपी में जाएं। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको आपके मामले में रिट खारिज होने के पश्चात पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में दी। मैं सोचता हूं कि कुछ जो भी वीडियोस मैं आपको अपलोड करके यूट्यूब के माध्यम से आपके कानूनी ज्ञान को बढ़ा रहा हूं और बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं आप सभी चैनल के सब्सक्राइबर्स का तथा वीडियोस देखने वालों का हृदय से आभारी हूं। मेरे करीब करीब 15,600 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए और यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोज को और लोगों को भेजें, और कोई प्रश्न हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये मैंने इसमें व्हाट आफ्टर डिसमिसल ऑफ रिट पिटीशन क्या करें, कैन अनदर रिट पिटीशन बी फाइल्ड के बारे में आपको इस वीडियो में बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग
दिस वीडियो, इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नमस्कार।